तो नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिक काउंटडाउन में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले MGM वर्सेस TVS के मैच की, जिसकी आज हम बनाएंगे ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग टीम और ड्रीम इलेवन स्मॉल लीग टीम। हम प्लेयर वाइज एनालिसिस भी करेंगे, पिच रिपोर्ट भी आपको देंगे, साथ ही में बात करेंगे कि इस मैच में कौन जीतने वाला है और आज के ड्रीम इलेवन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन उससे पहले अगर आप ही हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की ये ड्रीम इलेवन वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MGM वर्सेस TVS के मैच की। ये मैच नंबर 12 है जो कि आज खेला जाएगा। इस मैच की हम बनाएंगे ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग टीम। ये मैच नंबर 12 है, CBFS T20 लीग का ये मैच नंबर 12 है। ये जिस ग्राउंड पे खेला जाएगा उस ग्राउंड का नाम है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। CBFS T20 लीग के सारे मैचेस शारजा के क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम पे ही खेला जाएंगे। इसका जो पिच है वो बैट एंड बॉल दोनों को सपोर्ट करता है, लेकिन इस पिच पे जो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करता है वो ज़्यादा फायदे में रहता है, क्योंकि इसका जो एवरेज स्कोर है वो 160 रन्स है पर इनिंग फर्स्ट इनिंग के अंदर, और सेकेंड इनिंग में एवरेज स्कोर 135 हो जाता है। मतलब कि जो भी टीम यहाँ पे चेस करती है वो लगभग हार ही जाती है। और ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड भी है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ही हाई स्कोर होता है, सेकेंड इनिंग में हाई स्कोर नहीं होता है। सेकेंड जो चीज़ है, इस पिच पे पेस बॉलर्स बहुत धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं, पेस बॉलर्स को ये पिच सूट करता है, रास आता है, तो इस पिच पे पेस बॉलर्स हावी रहते हैं। अपन बात करते हैं MGM और TVS के, तो इस लीग के अंदर MGM और TVS ने तीन मैच खेले हैं जिसके अंदर दो जीत और एक हार मिली है MGM को। वहीं पे TVS ने दो मैच खेले हैं जिनमें दोनों के दोनों हारे हैं। बात करें MGM के प्लेयर्स की, तो MGM के प्लेयर्स से इन फॉर्म है, लेकिन बात करें TVS के प्लेयर्स की तो TVS के प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फॉर्म है, हालांकि कप्तान भी इनके इन फॉर्म नज़र नहीं आते हैं। तो ये हुई है बात क्रिकेट की। अब इसमें फेवरेट्स MGM की टीम है, क्योंकि MGM की टीम ने अभी तक तीन मैचेस में से दो जीते हैं और दोनों हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं जिसमें उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है। अब शुरू करते हैं आज की ये ड्रीम इलेवन टीम, बनाते हैं आज की ये ड्रीम इलेवन टीम। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करना है। आपको ग्रैंड लीग के अंदर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है 45 रुपीज़ वाला, जिसका प्राइस पूल है 1 करोड़, इसी के साथ में 31 रुपये वाला जिसका प्राइस पूल है 40 लाख। ये आपको ग्रैंड लीग की टीम से ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको स्मॉल लीग में ज्वाइन करना है 2x के विनिंग कॉन्टेस्ट, हेड टू हेड के कॉन्टेस्ट, और साथ ही में विनर्स टेक्स ऑल के कॉन्टेस्ट आपको स्मॉल लीग में ज्वाइन करना है, और लो एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट भी आपको स्मॉल लीग की टीम से ज्वाइन करना है। तो ये हुई बात इस लीग्स की, कॉन्टेस्ट की। तो अब बनाते हैं ड्रीम इलेवन टीम, तो क्रिएट करते हैं टीम। बात करें विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है रवि चोपड़ा जो कि MGM की टीम से खेलते हैं, और एक है TVS के रहमान फोर्थ जो कि TVS की टीम से खेलते हैं। लेकिन रवि चोपड़ा एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रवि चोपड़ा बॉलिंग भी कर लेते हैं कभी कभी और विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो ये ऑलराउंडर प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी ये इनफॉर्म भी है, MGM के लिए इन्होंने रन भी मारे हैं। बात करें बैट्समैन में, तो बैट्समैन में आपके पास ऑप्शन है एक खान का, जो कि जिन्हें आप ले सकते हैं क्योंकि एक खान इनफॉर्म है। वहीं पे हम बात करें आबिद का, तो आबिद को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं, लेकिन इन्हें आप अभी पोस्ट रखिएगा, क्योंकि आबिद के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें अली का नाम भी आता है, अली भी एक अच्छे प्लेयर हैं। वहीं पे डी मुनिवा को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं, इसके अलावा आबिद आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और हफीज़ को भी आप अपने टीम में रख सकते हैं, हफीज़ भी एक अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने एक मैच में अभी तक, जिसका 45 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। बात करते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में आपके पास अली का ऑप्शन है जो कि इनफॉर्म है, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो अली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। हसन को भी आप पिक करिएगा, इसके अलावा मलिक को आप पिक करना है, इसके अलावा आपको पिक करना है
महमूद फर्स्ट को आप पिक कर सकते हैं, एस महमूद जो कि टीवीएस के कप्तान हैं, ओपनिंग भी करते हैं और ये बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन बॉलिंग में अभी तक इन्होंने विकेट नहीं लिया है, लेकिन ओपनिंग में रन भी नहीं मारे हैं अभी तक, तो आउट ऑफ फॉर्म ही है टोटल, लेकिन ये प्रदर्शन करते हैं। बात करें बॉलर्स की, तो बॉलर्स में आपके पास है एम पुष्पा को आपको पिक करना है। इसके अलावा आप हुसैन के साथ जा सकते हैं, हुसैन एक अच्छे बॉलर्स हैं जो कि टीवीएस के तरफ से खेले हैं, पिछले मैच में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, 67 पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है एन खान का, ख्वारशी का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन एन खान इस मैच में दो है, ये याद रखिएगा, एन खान इस मैच में दो है, जो दोनों के दोनों एमजीएम के लिए प्लेइंग खेलते हैं, तो आपको एन खान ये वाला लेना है, एन खान सेकेंड को, जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था और उससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो चार बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं, साथ ही में तीन ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं, इसके अलावा हम तीन बैट्समैन के साथ भी जा रहे हैं। तो ये है टीम हमारी, ड्रीम इलेवन टीम ये हो जाएगी, ये ड्रीम इलेवन टीम है जिसमें हमें एक विकेट कीपर, तीन बैट्समैन, तीन ऑलराउंडर और चार बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पिच लो स्कोरिंग रहने वाला है लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन में, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में आपके पास ऑप्शन जो है एमजीएम की टीम से ही है, क्योंकि अभी तक टीवीएस की टीम से अगर कोई ऑप्शन है तो उसमें आपके पास अली का एक नाम आता है, इसके अलावा मुनवेरा का आपके पास नाम आता है, तो ये है आपके ऑप्शन। इसके अलावा हुसैन भी एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन के। लेकिन ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की हम बात करें तो आपके पास कैप्टन का ऑप्शन है ए खान जो कि एमजीएम के कैप्टन है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ख्वारिशी का, इसके अलावा ऑप्शन है एन खान का और मलिक का भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है, क्योंकि मलिक भी रन मार रहे हैं और विकेट्स भी ये ले रहे हैं, तो मलिक का भी एक अच्छा ऑप्शन है, मलिक को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। रवि चोपड़ा ने अभी तक एक ही मैच में बॉलिंग की है, लेकिन उस मैच में इन्होंने दो विकेट लिए थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी और बैटिंग में इन्होंने 24 में से 24 रन मारे थे, 24 गेंदों में 24 रन मारे थे इन्होंने। तो अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करना है। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास कॉम्बिनेशन में ख्वारिशी को आपको कैप्टन पिक करना है और वाइस कैप्टन आपको ए खान को पिक करना है, इसके अलावा वाइस कैप्टन आपको ए खान को ही रखना है और कैप्टन आपको रखना है अली को। अली भी गेंदबाजी कर रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं, ये भी ऑलराउंडर का ही रोल कर रहे हैं। इसके अलावा मलिक के साथ आप जा सकते हैं, तो जो प्रॉपर जो कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो रहेगा आपके पास मलिक वन का और ए खान का, ये आपके पास प्रॉपर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको पिक करना है तो एन खान के साथ आप जा सकते हैं, इस टीम से आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग के अंदर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलता ही है, तो रिस्क में अगर आप लेना चाहते हैं तो रिस्क में आप ख्वारिशी पे आप ले सकते हैं। ख्वारिशी ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है, विकेट्स इन्होंने लिए हैं, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने विकेट्स नहीं लिए थे, लेकिन उससे पहले दो मैचों में इन्होंने विकेट्स लिए थे, पिछले मैच में इनको एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन एन खान ने पिछले मैच में विकेट्स लिए थे और उससे पहले भी इन्होंने विकेट्स लिए थे, तो एन खान के साथ आप कैप्टनसी में जा सकते हैं और वाइस कैप्टन में आप ए खान को ही रख सकते हैं। इसके अलावा अली की भी आपके लिए ऑप्शन है, तो ये आपकी रिस्की टीम हो जाएगी जिसके अंदर आप कैप्टन एन खान को पिक करेंगे और वाइस कैप्टन आप ए खान को पिक करेंगे। इसके अलावा आपके पास स्मॉल लीग की जब हम बात करते हैं तो स्मॉल लीग में आपको पिक करना है ए खान को कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको पिक करना है ख्वारिशी को, या फिर आप वाइस कैप्टन आप ए मलिक को पिक कर सकते हैं, अली को पिक कर सकते हैं। इसमें वाइस कैप्टन के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप अगर चाहे तो मलिक के साथ या फिर अली के साथ जा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि मलिक के साथ जाइएगा, क्योंकि मलिक पूरे चार ओवर डालते हैं और बल्लेबाजी में भी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, तो आपको मलिक के साथ जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस रहेंगे। अली भी हालांकि ओपनिंग ही करते हैं लेकिन ये बॉलिंग कभी कभी करते हैं, तो आपके पास अगर दो ऑप्शन रहेंगे बॉलिंग और बैटिंग का तो ये बेनिफिट दे सकता है। तो ये कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात हो गई है, तो
ग्रैंड लीग की बता दिया है, ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन भी बता दिया और स्मॉल लीग भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर टॉस के बाद में कोई भी चेंज होता है टीम में वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।